की खास खबर। अनैतिक संबंध को लेकर बड़ी परिवार में दूरियां। सुनते हैं पति के जुबानी। एक पेशे से टीचर की जिंदगी में उनकी सहचारी बनने हेतु एक सुंदर और शिक्षित लड़की मिली। विगत 18 साल पूर्व विवाह बंधन में बांधे। इस परिवार के बीच एक ऐसी घटना घटी जो किसी भी पारिवारिक जिंदगी में बड़ी दरार पैदा करने वाली थी। हम बात कर रहे हैं भंडारा जिले के ग्राम खैरी पट के प्रमोद ठेंगरी की, जो पेशे से टीचर है। प्रमोद ठेंगरी गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील की ग्राम अरुण नगर के हिंदी हाई स्कूल में विज्ञान मास्टर के रूप में 21 वर्ष से कार्यरत है। इस बीच 2001 में प्रमोद की शादी रजनी नामक एक शिक्षित लड़की से हुई। इन दोनों की शादी के बाद शुरुआती दिनों में जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। दोनों वर्षा में रहने लगे और इस बीच इस हंसते खेलते परिवार पर बुरी नजर पड़ी और कुछ ही दिनों में पारिवारिक दूरियां बढ़ती गई। बीवी के साथ अनैतिक संबंधों की चर्चा को लेकर प्रमोद ठेंगरी परेशान हो गया। परेशानी इस कदर बढ़ी कि दोनों नजदीक आने के बजाय इतने दूर चले गए कि आज प्रमोद ठेंगरे विगत कई वर्षों से मानसिक तनाव में चल रहे हैं। इस बीच प्रमोद के बीवी को जिला परिषद स्कूल में शिक्षिका की सरकारी नौकरी लगी और बीवी ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए। दोनों शिक्षित और शिक्षक की नौकरी करते करते एक खुशियां भरी जिंदगी जीते जीते ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इनकी दूरियां बढ़ाई? ऐसे कौन है जिन्होंने इनके परिवार में जहर घोला? ऐसा कौन है कि जिसने हंसता खेलता परिवार को इतना दूर कर दिया जो पास आने के कगार पर नहीं? ऐसे कौन है जिसने ऐसा शब्द पैदा किया जिससे नजदीकी बढ़ाने के बजाय दूरियां बढ़ाई? आइए सुनते हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लाठेवार की खास खबर पीड़ित प्रमोद ठेंगरी की जुबानी। निकाल देना एक सीट खाली करना, ये उद्देश्य था उसका। नहीं, मुझे बताइए कि जैसा जैसे आप बता रहे हो कि एक चपरासी, एक मुड़गर टीचर और हेडमास्टर, इन्होंने ये मुझे लगता है कि ये तीनों की साजिश थी। ये प्री प्लानिंग थी उनकी, प्री प्लानिंग पूर्व नियोजित, ये षड्यंत्र का भाग है। ऑन ड्यूटी उन्होंने भेजा है बलात्कार के लिए, जातीय बलात्कार के लिए। चपरासी वागधरे उनके साथ गया था। बलात्कार होने के पश्चात उन्होंने उसको समझा के रखा कि हमें आने तक इधर उधर कहीं भी इस बात की अच्छता नहीं होनी चाहिए, बताना नहीं चाहिए। और बीवी ने भी छुपा के रखा, मुझे उस दिन के बारे में पता भी नहीं है कि बलात्कार होने के पश्चात बीवी ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया उस दिन। ये ऐसा क्यों हुआ कि मतलब बीवी ने भी आपको नहीं बताया? नहीं बताया तो इसके पीछे कारण था कि मुख्याध्यापक भावराव पत्रे ये मामा लगते हैं, बाबू नीलकंठ भारदी ये भाई लगता है उसका, और नाते में आती है, जिसके कारण इन्होंने बताया नहीं मुझे, छिपा के रखा है। और दूसरे दिन ये मेरे रूम पर जाकर उन्हें कैनवास किया कि ये बात इधर उधर बताएगा नहीं, हम सभी संभाल लेंगे। और सिपाही जो था हेडमास्टर ने उनको डांटा, यानी आंखें निकाली उसकी तरफ, कि वो संभल समझ गया कि ये बात इधर उधर बताना नहीं है। और दूसरे दिन से चपरासी करीबन 2 माह तक स्कूल में आया ही। मतलब ये इसका मतलब ये कि जो प्रधानाध्यापक पत्रेश जी है, इनका पूरा दबाव स्टाफ के ऊपर उन्होंने डाल दिया है। ये बात किसी भी तरह से ओपन नहीं होना चाहिए और ये बलात्कार की जो बात है ये एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए सर कि उसके बाद में आपने कुछ तकरार वगैरह की? नहीं, मुझे पता ही नहीं था ना, बीवी ने घर में जाने के पश्चात ये बात बताई नहीं। और मेरे साथ दिगंबर मातेरे ये भी वर्षा में रहते थे, मेरे सहपाठी टीचर, मैं उनके साथ ही आना जाना करता था। लेकिन उनके पास भी इस घटना के बारे में कोई हुआ ये मुझे भी पता नहीं। मतलब आपको ये इसके बारे में कोई जानकारी ऐसी नहीं थी कि मतलब नहीं, ऐसा मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कोई जानकारी नहीं थी, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये सब मुझे करीबन 5-6 या 6-7 साल में मालूम हुआ मुझे। अब ये जानकारी कब हुई आपको? तो ऐसे 5 या 6 2005-2006 तभी तक नहीं, करीबन लड़की 3-3.5 साल की थी। हाँ। तब मुझे ये घटना मालूम हुई। हाँ। स्कूल में ये वातावरण बना था कि इस प्रकार की घटना हुई है, इसको किस प्रकार बताने का, फिर वहाँ वाइडर की भूमिका रखी थी, बात नहीं करते थे। मैं हेडमास्टर को पूछा कि क्या मेरे साथ ऐसी कौन सी घटना हुई है कि मुझे कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, स्टाफ बराबर बात नहीं कर रहा है, सब कुछ तो भी छुपा रहे हैं, इतने संदिग्ध है सभी लोग
कि मैं खुद भी डर रहा हूँ। तब हेडमास्टर के साथ बात होने के बाद हेडमास्टर ने भी नहीं बताई ये बात। हेडमास्टर ऑफिस में उनकी बीवी थी, बाबू था। मैंने पूछा कि मेरे साथ समर सरदार थे, मेरे साथ क्या क्या हुआ इसके बारे में मुझे जानकारी दो। तो हेडमास्टर अपने बीवी की तरफ देखकर मुझे बता रहा है कि देख अभी ये मुझे पूछ रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, यानी फैमिली और मैटर में क्या क्या हुआ। नहीं नहीं तो एक दूसरे के ऊपर हाथ भी लगा दिए। और वहाँ समर सरदार थे, समर सरदार ये सभी तमाशा देखकर भाग गए। बाबू चिल्ला रहा देख देख कि ये सभी दो आपस में लड़ रहे हैं। फिर भी हेडमास्टर ने अपना मुंह नहीं खोला कि तेरे फैमिलियर मैटर में एससी की तरफ से बलात्कार हुआ है या एससी की तरफ से जो लड़की है वो डिजी मुडगरे की है, ये भी नहीं बता रहा। तो इतनी बात सभी छुपा के रखी थी और ये मुझे बात धीरे धीरे मालूम होने लगी। तब मेरा अच्छा ये सर मुझे बताइए कि जैसा आपने इसके पहले भी कहा था कि एक ऑपरेशन करके है ना, ये ऑपरेशन वाली बात आपको पता थी? नहीं नहीं, उन्होंने खुद ने जाके दोबारा ऑपरेशन करवा डाला? नहीं, ऑपरेशन की है वो अनऑथराइज चाइल्ड, अनडेवलप्ड चाइल्ड की है। नागपुर में मुखर्जी हॉस्पिटल में हुआ था वो पता है। और एक तो लड़की 2009 में है दूसरी प्रेगनेंसी, मतलब उसको भी मतलब ये कर दिया। नहीं 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 है ना, प्रेगनेंसी है। अच्छा चाइल्ड है। अच्छा मुझे बताइए सर, फिर इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं शिकायत भी की होंगी, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोलो या पुलिस स्टेशन को बोलो? हाँ, 2009 में मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन वहाँ करीबन दो चार लोगों के बयान हुए। मैंने स्टेटमेंट जो यानी जो मैंने तकरार की थी वही स्टेटमेंट मैंने दिया था। बाकी इन लोगों ने मेरे पीछे सभी बयान झूठे करके रख दिए, जैसे कि सफ़ेद कागज नीला करना, बस इतना ही उन्होंने करके रख दिया। वजह क्या? बीवी ने भी नहीं दिया। इसके पीछे मेन कारण यही है ना कि करीबन बलात्कार केस है, अनऑथराइज चाइल्ड की केस है, तो इनके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। और पे ये ना रही ये सभी लोग कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, इसके अलावा दूसरा कारण नहीं था। मतलब प्रशासन ने भी उनको बचाने की कोशिश की? हाँ, प्रशासन ने भी बचाने की कोशिश की। पुलिस विभाग मतलब जो आपको एक न्याय मिलना चाहिए था, आप जो न्याय की गुहार लगा रहे थे कि भैया ऐसा ऐसा है कि कम से कम एक परिवार में जो इन्होंने एक विवाद पैदा करके रखा है, न्याय मिलना चाहिए। न्याय की अपेक्षा से आपने कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी तक कोई किसी डिपार्टमेंट ने मतलब लीगली कार्रवाई अभी तक नहीं की। पहली तकरार 2009 में पुलिस डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं। प्राइवेट डीएनएटिस तो होती ही नहीं है, प्राइवेट डीएनएटिस लाने के लिए बताया था उन्होंने स्टेटमेंट में। अच्छा। लेकिन वो तो गलत है ना, कायदा कानून से वो कार्रवाई सही नहीं है, सही ढंग से नहीं हुई। इस तरह से मतलब आपके ऊपर अन्याय मतलब किया जा रहा है, यानी फैमिलियर मैटर मेरा पूरी तरह से कोलैप्स करके रख दिया है। हेडमास्टर एक हावी आदमी है, नीयत उसकी ठीक नहीं है। उसको एक जिला परिषद एम्प्लॉयज डीजी मुडगर की तरफ से निकलना था और उसके पति को वहाँ से बहिष्कृत करना था। ये बहुत ही बड़ा जातिवाद, धर्मांतरण, आर्थिक शोषण, अपराधपरी और इंसल्टेंसी की एक बड़ी केस है। मैं तो काफ़ी परेशान हूँ, यानी मेंटल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कंडीशन से भी मुझे काफ़ी हरासमेंट दी गई है। बाद में 2016 को मैंने तकरार की थी शिक्षा विभाग, इसके बच्चा पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह कर्मचारियों को एक मिलकर सभी स्टेटमेंट गलत दिए कि स्कूल में कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई, स्कूल में जातिवाद, धर्मांतरण, आर्थिक शोषण, अपराधपरी ऐसी घटना इनके साथ हुई नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट दिए और पूरी तरफ से कोलैप्स करके रख दिया है। अरे भाई, आपने 2016 से मतलब स्कूल में जाना बंद कर दिया? हाँ, 6/10/2016 बैक पेन, शुगर हुआ था और उसके पश्चात मैंने जो तकरार की थी डिपार्टमेंटल या पुलिस डिपार्टमेंट, उनके तरफ से मुझे सही पॉजिटिवली न्याय नहीं मिला और उतने ही परिणाम मेरे ऊपर हुए। जैसे कि आप बता रहे हो कि अभी अलग अलग बीमारियों का आपने जो नाम लिया या परेशानी जो हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये भी एक षड्यंत्र का भाग है। हेडमास्टर ने मिलकर मुझे जानबूझकर भेजा है,
वास्तविक ये वर्कलोड मुझे ही बार बार देना नहीं चाहिए था। बाकी साइंस टीचर भी है, मैंने हेडमास्टर को बोला था कि मुझे ये वर्कलोड बार बार क्यों दे रहे हो, दूसरे की तरफ दो एक हाथ बार भी। फिर भी हेडमास्टर नहीं माने, हेडमास्टर ने भेज दिया गोंदिया। करीबन 250 किलोमीटर जाना आना हुआ, बैक पेन बढ़ गया और उसके पश्चात में ही बैक पेन से परेशान, तो वीकनेस भी आ गया उसके पीछे, शुगर। नहीं, लेकिन अभी तो ठीक है कि आप मतलब स्कूल में इस वजह से नहीं जा रहे। हेडमास्टर का कहना है कि भाई हमने अभी तक उनको कोई निकाला नहीं है, पोस्ट वैकेंट है। और सर गलत स्टेटमेंट दे रहा है ना, उनको वास्तविकता में एक संस्था का आदमी है, संस्था का सदस्य भी है, स्थानिक शाला समिति सचिव है, एक हेडमास्टर है, एक्सपीरियंस है उनके साथ, फिर भी उसके स्टेटमेंट जो देता है वो स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत देता है। ऐसा कहेंगे कोई अगर उनके सामने DD या UO आते तो हंसेंगे नहीं क्या, ऐसे स्टेटमेंट अगर देता है कि निकाल दिया नहीं है, मतलब कहने का मतलब टर्मिनेट किया। हेडमास्टर को इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि जो हमने क्यों सही किया। वो तो समाज कार्य समझता है ना अपने, वास्तविक शिक्षक भारतीय शिक्षक संगठन का वो नेता है, वो खुद को समाज कार्यकर्ता समझता है। और खुद स्कूल में हुई ये लैंगिक शोषण और अत्याचार की घटना, अनधिकृत दंपति की घटना, ये भी एक समाज कार्य समझता है कि वो नपुंसक है, नपुंसक हुआ तो उनके यानी प्रेगनेंसी ला के दिया तो क्या होता है, इस प्रकार के स्टेटमेंट को देता है। अच्छा, लेकिन जिम्मेदारी होती है कि अगर प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम को शट आउट करो, सपोर्ट करो, एम्प्लॉइज को सपोर्ट करो, लेकिन ऐसा ना करते हुए उल्टा ये उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं उसको आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं जो आप न्याय की मांग कर रहे हो तो सरासर आपको न्याय नहीं मिल रहा है, और इसके लिए दोषी ये मुठघर है जो टीचर है या फिर वहाँ के हेडमास्टर है ना, और प्रशासन भी पुलिस विभाग भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक OBC स्कूल है, सभी यानी हिंदू है वहाँ, एक SC पर्सन है, SC पर्सन के तरफ से ये इस प्रकार की घटना हुई है, दैनिक शोषण, अनैतिक प्रपत्ति और सीट जिला परिषद की निकलने की। फिर भी पार्सिलिटी का व्यवहार इतना ऊंचा है हेडमास्टर का कि अपन उसकी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इतना पार्सिलिटी का व्यवहार बेकार करता है। सभी अभी अभी आपकी क्या मांग रहेगी? मैं जैसे कि DG मोड़कर है, एक रेपिस्ट पर्सन है, अनधिकृत आपत्ति पैदा की है उन्होंने, प्रॉपर्टी और सैलरी का प्रॉब्लम है, मैं अपने भविष्य में आने वाली सभी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का उसे मैं हकदार नहीं कर सकता, और जिसके कारण ये जातिवाद का जो प्रकरण है लैंगिक शोषण और अनधिकृत आपत्ति का, इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हेडमास्टर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़ने के लिए, स्कूल टाइम में छोड़ने के लिए, सिपाही उसके साथ देने के लिए बलात्कार या अनधिकृत आपत्ति के लिए, बाद में स्कूल से जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में छोड़ने के लिए ऑन ड्यूटी। हेडमास्टर का एक मुख्य मेन कारण यही है कि सीट डाइवर्स करना या सीट खाली करना, और इसी कारण ये सभी उन्होंने करते रहते हैं। एक क्राइम पर्सन है, थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, खाली दिखावे हैं समाज को दिखाने के लिए कि मैं सोशल वर्कर हूँ। दोस्तों, आपने देखे खुद प्रमोद ठेंगरे जी ने अपने आपवीति अपने शब्दों में बयान की, और कहीं ना कहीं उनके शब्दों से जो झलक रहा था, उनके बातों में जो दिख रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ये पीड़ित की एक भावना है, और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो हुआ अत्याचार अन्याय, इसकी वो गुहार लगा रहे हैं प्रशासन के तरफ, पुलिस विभाग के तरफ कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आखिर उनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये कब सिद्ध होगा? जब ये प्रशासनिक कार्यवाही अगर शुरू होती है तो निश्चित रूप से संबंधित विभाग ने इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, सच सामने लाना चाहिए, और सच सामने लाते लाते ना किसी के ऊपर अन्याय होते हुए जो यहाँ पर दोषी है उन दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है। आपने प्रमोद जी के जबानी कई बातें यहाँ पर सुनी है जो हकीकत है, जो सच्चाई है,
जिसमें हकीकत है और वही हकीकत उन्होंने अपने बयान किया। निश्चित एक हंसता खलता परिवार, अगर उस परिवार के अंदर कहीं ना कहीं बीच में एक जहर घोलने की बात होती है और केवल अपने हित के लिए, केवल अपने हित के लिए एक परिवार को नेस्त नाबूद करने की अगर बात होती है, और जो कि ये मोटघरे और वहाँ के हेडमास्टर ने किया है, ये सकृत दर्शनी सिद्ध होता है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई भी होना जरूरी है। क्या गोंदिया जिला प्रशासन, भंडारा जिला प्रशासन या राज्य की सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचेगी, ये आने वाले पल में आपके सामने हम रखेंगे। मैं निषाद लांजीवार, MNS न्यूज, भंडारा। प्रमोद ठेंगरी ने न्याय के लिए कई दरवाजे पर गए लेकिन कोई न्याय नहीं दिला रहा। अर्जुनी मोरगांव पुलिस थाने में शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप पीड़ित प्रमोद ने किया है। क्या प्रशासन पीड़ित प्रमोद ठेंगरी को न्याय दिलाकर गुनहगारों पर कार्रवाई करेगी? MNS न्यूज लाइव इसकी लगातार खोज कर रही। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर MNS न्यूज के लिए। तो MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।